हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी एमसीक्यू, जिसमें हमने कवर किया है टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन ऑल इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। नेशनल पार्क्स ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है एंड लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नेशनल पार्क रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनको कवर किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी अनामुदी शोला नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बांधोगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन डी हेमिस नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्टैब्लिश किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। राइट आंसर होगी ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछता है कैंपबेल बे नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, जिसे 1992 में स्टैब्लिश किया गया था और ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर चॉइस। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड इन लद्दाख? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है? ऑप्शन ए गुगामल नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी इंद्रावती नेशनल पार्क, ऑप्शन डी कालेसर नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके साथ ही जो गुगामल नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में आता है, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में आता है एंड कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन फर्स्ट में जिस पार्क की बात की थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जल्दापारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी मेघालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, जहां पे जल्दापारा नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड है, लोकेटेड है। ऑप्शन सी राइट आंसर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? कान्हा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, जहां पे स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड इन आसाम? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है? ऑप्शन ए खीरगंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कुनू नेशनल पार्क, ऑप्शन डी किस्तवार नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में स्थित है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा जो खीरगंगा नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में आता है। कुनू नेशनल पार्क अभी हाल ही में न्यूज में था, जब नामीबिया से चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे। कुनू नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में आता है एंड किस्तवार नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में स्थित है? ऑप्शन ए नागरहोल नेशनल पार्क, ऑप्शन बी औरंग नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पेंच नेशनल पार्क, ऑप्शन डी रणथंभौर नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन ए नागरहोल नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटका में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें औरंग नेशनल पार्क की, तो ये आसाम में आता है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पार्ट है एंड रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नागरहोल नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड, जहां पे स्थित है राजाजी नेशनल पार्क।
उत्तराखंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछता है संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र, जहां पर स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए केरला, जहां पे स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर चॉइस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उड़ीसा। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सिंपलीपल नेशनल पार्क, ऑप्शन सी सिरोही नेशनल पार्क, ऑप्शन डी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन बी सिंपलीपल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सुंदरबंस की, तो हम सभी जानते हैं ये वेस्ट बंगाल में आता है। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर का पार्ट है एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन बी सिंपलीपल नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 14। वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सिंगालीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये सिंगालीला नेशनल पार्क। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मणिपुर। ऑप्शन ए ताडुबा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सिरोही नेशनल पार्क, ऑप्शन सी वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन डी सैडल पीक नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन बी सिरोही नेशनल पार्क। ये प्रीवियस क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में भी आया था। सिरोही नेशनल पार्क ये मणिपुर में स्थित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तडोबा नेशनल पार्क की, तो ये महाराष्ट्र में आता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का पार्ट है एंड सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में राइट आंसर मणिपुर में सिरोही नेशनल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंबल बारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सिंबल बारा नेशनल पार्क आता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर चॉइस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। ये काफी सिंपल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी राजस्थान। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो पिन वैली जो नेशनल पार्क है ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, पिन वैली नेशनल। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी पंजाब। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी केरला, जहाँ पे स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 22। ऊरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी आसाम। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। न्योरा वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। न्योरा वैली नेशनल पार्क, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी
वेस्ट बंगाल, जहां स्थित है न्योरा वैली। क्वेश्चन नंबर 24, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और केरला। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ऑप्शन ए मुरगावनी नेशनल पार्क, ऑप्शन बी मुदुमलाई नेशनल पार्क, ऑप्शन सी मुरलन नेशनल पार्क, ऑप्शन डी माधव नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन बी मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एंड अगर हम बात करें मुरगावनी नेशनल पार्क की तो तेलंगाना में आता है। इसके साथ ही अगर हम डिस्कस करते हैं मुरलन नेशनल पार्क की तो ये मिजोरम का पार्ट है, एंड माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। ऑप्शन ए कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कूनू नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कालेसर नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क। इसमें से हमने ऑप्शन बी एंड सी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले क्वेश्चंस में। जो कूनू नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में आता है, एंड ऑप्शन जो सी है कालेसर नेशनल पार्क ये हरियाणा का पार्ट है। इसलिए दोनों ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में आता है, एंड कुंद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका का पार्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर स्थित है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑप्शन ए हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए गंगोत्री नेशनल पार्क, ऑप्शन बी दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी एराविकुलम नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गंगोत्री नेशनल पार्क की तो ये उत्तराखंड में आता है। अगर हम बात करें एराविकुलम नेशनल पार्क की तो ये केरला का पार्ट है, केरला में स्थित है। एंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में आता है। हम सभी जानते हैं कि एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और ये गुजरात में आता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन है बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका, जिसमें जहाँ पर स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क, और बांदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन नेशनल पार्क इन इंडिया, जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। यहाँ पे वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ को हम डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया, एंड कुछ को इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन में भी जो पार्क दिए थे उनके बारे में डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने नेशनल पार्क का एक मेजर सेगमेंट कवर किया है। एंड इस नेशनल पार्क से कोई आपके उन डाउट और क्वेरी हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में पुट कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।